त्योहारों से ठीक पहले प्याज की बढ़ती कीमतों से हर कोई परेशान हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि त्योहारों तक राहत मिलने की उम्मीद कम है। चंडीगढ़ में भी आज प्याज की कीमतों में उछाल आया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज प्याज की कीमत में उछाल देखकर ग्राहकों की आंखों में आंसू आ गए हैं। प्याज की कीमत लगभग 70 से 75 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है, जिससे आम जनता को डर सता रहा है कि अगले 10 से 15 दिन बाजारों की मंडियों में मोल भाव करने पर भी प्याज की कीमत में कोई कमी नहीं आएगी। हालांकि प्याज की थोक कीमत में भी 52 से 60 रुपए प्रति किलो हो गई है, जिससे आढ़तियों को भी काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि माल ज्यादा होने से भी ग्राहक प्याज नहीं ले पा रहे हैं और ऐसे में आढ़तियों को ये चिंता सता रही है कि माल कहीं खराब ना हो जाए। आपको बता दें कि महज 6 दिनों में प्रति किलो प्याज की कीमतों में 35 से 40 रुपए की तेजी आई है। इससे आम जनता परेशान है और उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं टमाटर की तरह प्याज की कीमतें भी देखते देखते आसमान न छूने लगे। वहीं मंडी के आढ़तियों का कहना है कि आवक अचानक में कम होने के कारण रेट में तेजी आई है, जो अगले 10 से 15 दिन तक बरकरार रहेगी। सेक्टर 26 स्थित मंडी के आढ़ती एसोसिएशन द्वारा बताया जा रहा है कि सामान्य दिनों में 14 से 15 ट्रक आने वाला प्याज अब महज 4 से 5 ट्रक पर सिमट गया है। आवक अचानक से कम होने से दाम बढ़ना तय है। इसके अलावा सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि जो प्याज वो अब मंडी से 55 रुपए प्रति किलो से खरीद रहे हैं, वो भी एक थोक के मोल भाव से, वह माल 70 से 75 रुपए किलो ही बिकेगा, क्योंकि अब प्याज की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिससे हमारे किचन का बजट जो है वो हिल गया है। ऐसा लगता है कि जैसे बचत का पैसा ऐसी महंगाई पर ही खर्च हो जाएगा। अगर प्याज पर इसी तरह महंगाई की रफ्तार बनी रही तो सोने चांदी की जगह इसकी खरीदारी के लिए विशेष बचत करनी पड़ेगी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।